Hello everyone, this is Jess and I'm extending you a very very warm welcome to my channel. This is my first video on YouTube and after a lot of contemplation and a lot of procrastination, I thought ki aaj to main video banake hi rahungi chahe kuch ho jaye. So before we get on to what this video is about, I just want to give you a very quick intro to my channel, you know, what I'm planning to do with it, what sort of content I'm going to make, or you know, just a little bit about me. मुझे बहुत सारी चीज़ें करना पसंद है. आई लव टू कुक, आई लव टू क्लीन, आई एम अ मेजर ऑर्गेनाइजेशन फ्रीक, आई लव टू रीड बुक्स, आई लव एवरीथिंग टू डू विद इंटीरियर डेकोर, इंटीरियर डिजाइनिंग. सो दिस गॉना बी अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग. दिस इज यू नो कंसिडर दिस टू बी अ लाइफ स्टाइल चैनल जहाँ पे मैं आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगी इन टर्म्स ऑफ यू नो व्हाट माई डे लुक्स लाइक, और इफ फॉर इंस्टेंस आई go to get a cup of coffee or I go to a new restaurant, basically everything, a little bit of everything in this channel. So you can expect a lot more fun videos going forward. So now jumping on to what this video is about. So recently my husband and I, and yeah, I am married, so recently my husband and I, we moved into a new place of our own. So decorating this place and you know sort of figuring what works over here has taken a lot of time for us. तो मैंने पेन इसलिए पकड़ा है क्योंकि मेरे पास एक डायरी है और मैंने इसमें सब कुछ लिखा हुआ है कि मुझे आप लोगों को क्या क्या बताना है. सो इन टर्म्स ऑफ दिस फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैं आपको अपने पूरे लिविंग रूम का, ड्राॅइंग रूम का एक टूर दूंगी एंड आई एम गोइंग टू वॉक यू स्टेप बाय स्टेप टू यू नो हाउ दिस प्लेस लुक लाइक बिफोर. तो मेरे पास बहुत ज़्यादा पिक्चर्स तो नहीं है बिकॉज जब ये घर लिया था तो मैंने इतनी सारी पिक्चर्स नहीं ली थी. सो मी बींग अ होम डेकोर एंथुजियास्ट, आई हैड अ लॉट ऑफ आइडियाज, लॉट ऑफ कूल आइडियाज अबाउट दिस प्लेस. यू नो मुझे कैसे कलर टोन्स चाहिए, या मुझे कैसे कर्टन्स चाहिए, मुझे कैसा सोफा चाहिए, हाउ शुड द क्रेडेंजा लुक लाइक, हाउ शुड द एंट्रेंस लुक लाइक, व्हाट सॉर्ट ऑफ आर्ट आई वांट, व्हाट सॉर्ट ऑफ लाइट आई वांट. सो देयर वर अ लॉट ऑफ थिंग्स. After months and months of you know research on Pinterest, you know reading Architectural Digest, countless magazines, countless number of videos I've watched just to figure you know कि मुझे क्या करना है. इससे मैं आप लोगों को वन बाय वन जब एक एक रूम बताऊंगी, एक एक डिजाइन एलिमेंट बताऊंगी, मेरा आइडिया ये है कि अगर आप लोग भी एक बजट के अंदर राइट, या अपना घर रिफर्बिश कर रहे हैं, या फिर रेनोवेट कर रहे हैं, या फिर आप लोगों का नया घर है और आप किसी को उसको बना के रेंट पे देने वाले हैं, वट एवर कुड बी द थिंग, कुछ भी रीजन हो सकता है, लेकिन अगर आप लोगों को सिमिलरली मेरी तरह से होम डेकोर में और डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, सो प्लीज कंटिन्यू वॉचिंग. आई एम गोइंग टू बी पोस्टिंग अ बंच ऑफ वीडियोज. इसी रूम के मैं शायद दो वीडियोज बनाऊं क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजें बतानी है, डिटेल में बतानी है विद पिक्चर्स, ताकि आप लोग यू नो आप लोगों के लिए खूब ज्यादा रेफरेंस हो कि अगर आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को, अगर आप लोग खुद भी करना चाहते हैं तो आप लोगों के पास बहुत बहुत सारे आइडियाज हों. बिकॉज अभी जब मैं ये घर देखती हूँ तो यू नो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि यार हमने हर एक चीज में इतना ज्यादा अटेंशन दिया है, एवरीथिंग लाइक दिस लिटरली नथिंग इन दिस प्लेस विच इज यूजलेस, क्योंकि हमने इतना टाइम और इतनी एनर्जी लगा कि एक एक चीज पे, एक एक डिटेल पे बहुत ही माइन्यूटली ध्यान दिया है. सो आई फील दैट इज सो रिवॉर्डिंग. आपको इतना अच्छा लगता है देख के कि यार ये सब मैंने खुद ने किया, मतलब आई डिड नॉट नीड अ फैंसी इंटीरियर डिजाइनर. सो यहाँ पे क्या होता है ना, एंड आई लिव इन पुणे, सो इट्स नॉट लाइक यू विल गेट अ ह्यूमंगस हाउस एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्पेस. सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, द मोस्ट एसेंशियल थिंग फॉर अस वॉज टू मैक्सिमाइज द यूसेज ऑफ द प्लेस बाय हैविंग अ लॉट ऑफ प्लेसेज जहाँ पे हम यू नो चीजें स्टोर कर सकते हैं और उसको एस्थेटिकली दिखा सकते हैं. स्टोरेज एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए हमने हर एक चीज में बहुत ही ज्यादा सोच के उसको एकदम यूटिलिटी के अकॉर्डिंग प्रॉपर बनाने की कोशिश करी. सो जैसे हम एंटर करते हैं राइट, देयर इज अ शू रैक जिसमें यू नो यू कैन कीप योर वॉलेट, यू कैन कीप योर कीज, और यू कैन कीप यू नो एनी सॉर्ट ऑफ निकनैक्स. के ऊपर बहुत कुछ नहीं रखा हुआ है, इट्स जस्ट दिस बुद्धा स्टैचू ओवर हियर. मुझे इवेंचुअली कुछ ऐसा करना है कि यू नो मुझे खूब सारे प्लांट्स चाहिए, अच्छा सा आर्ट चाहिए, थोड़े बहुत निकनैक्स चाहिए. तो आई वॉन्ट गो टू से दैट आई एम यू नो बिग ग्रीन थंब, ऐसा नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा प्लांटिक नहीं हूँ, बट मुझे प्लांट्स अच्छे बड़े लगते हैं क्योंकि ग्रोइंग अप मेरे घर पे भी बहुत बड़ा सा गार्डन था, बहुत सारे प्लांट्स थे, तो मैं बहुत अटैच हूँ प्लांट्स से. तो मुझे लगता है कि अभी घर में क्या है ना, अभी थोड़ा सा ऐसा स्टेराइल सी फीलिंग आती है, आई डोंट नो हाउ टू पुट इट इन अदर वर्ड्स, बट ऐसा लगता है. सो टू मेक इट मोर लाइवली आई वॉन्ट टू ऐड अ लॉट ऑफ प्लांट्स, तो वो मैं सब करूँगी. तो जैसे आप और एंटर करते हो, यू सी दिस ह्यूज काउच
एंड उसके बाद में यू नो देर आर कर्टन्स, देर आर दी स्कूल लाइट्स, देर इज अ टीवी यूनिट. इस सोफे को मैंने लोकल शोरूम से बनवाया है. सो आप लोग क्या कर सकते हो, अगर आपको भी यू नो ऐसे मेरा आइडिया था कि मुझे एक एल शेप काउच चाहिए, मुझे रेगुलर यू नो एक बड़ा सा काउच एंड फाइव सीटर वाला वो मुझे नहीं चाहिए था. वे दिस रूम इज मेड, आई वॉन्टेड दैट यू नो मैं आराम से एकदम लेट के टीवी देखूँ. टीवी मेरे जस्ट सामने होना चाहिए और एकदम मैं लेट के टीवी देखती हूँ, क्योंकि मुझे अगर रात भर टीवी देखना पड़े तो मेरे लिए बहुत कंफर्टेबल होना चाहिए. आई डो नॉट वॉन्ट टू सेपरेट सेट ऑफ चेयर्स. ऑल्दो आप ये जरूर कर सकते हैं कि नो इफ यू हैव अ बिगर लिविंग रूम, इफ यू हैव अ बिगर हॉल, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन हैव एन एल शेप काउच, बट यू कैन ऑल्सो इफ यू वॉन्ट टू हैव यू नो यू कैन हैव चेयर्स लाइक दिस, यू नो यू कैन एड अ बेंच लाइक दिस, और यू कैन हैव लाइक दिस पूफ्स. तो आप लोग बहुत सारी चीजें कर सकते हो. मेरे रूम के लेंथ विड्थ एंड हाइट वगैरह के अकॉर्डिंग मुझे बस लगा कि ये सोफा विल बी इनफ फॉर दिस प्लेस, और हम लोग के फैमिली के अकॉर्डिंग आई फील कि ये हमारा पर्पस अभी सॉल्व कर रहा है. और मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था, मुझे था कि यू नो दिस इस रूम का पूरा थीम इज वेरी इट्स क्वाइट काम, दीज आर नाइस न्यूट्रल कलर्स. तो इवेंचुअली अगर मैं चाहूँ राइट तो आई कुड यूज अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक मरून और डार्क ब्राउन और डार्क ग्रीन, डार्क ब्लू. तो मुझे बेसिस सारे न्यूट्रल चाहिए थे, क्योंकि अभी मेरा सोफा जो है आप लोगों को मे बी कैमरे में थोड़ा सा डार्क लग रहा होगा, बट इट्स एक्चुअली अ क्वाइट लाइट बेज क्रॉस विद अ वेरी लाइट पिंक इफ यू कैन से. बहुत ही लाइट कलर है, बहुत लाइट भी नहीं चाहिए था, यू नो बिकॉज दिस इज एन इंडियन हाउस होल्ड, हमारे हाथों में एट सम पॉइंट इन द डे जरूर हल्दी लगी होती है. तो मैं सफेद सोफा तो नहीं रख सकती थी बिल्कुल भी, बट इफ दैट्स योर वाइब प्लीज गो अहेड डू दैट. नाउ आई टेल यू कि आप लोग एक अच्छा काउच कहाँ से खरीद सकते हैं. सो सी, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया इसलिए मैं इतना ज्ञान दे रही हूँ. आइकिया इज अ वेरी नाइस प्लेस टू बाय अ काउच फ्रॉम, या फिर जो भी आपको फर्नीचर चाहिए, अगर आपको शू रैक चाहिए, आपको टीवी यूनिट चाहिए, जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं अगर आपके एरिया में डिलीवरेबल होता है तो आप प्लीज आइकिया से खरीद लीजिए, या फिर अमेजोन है, देर इज पेपर फ्राई, देर इज अर्बन लैडर, देर आर मेनी कूल ब्रांड्स आउट देयर. तो मुझे क्या था ना कि मुझे कुछ ऑथेंटिक चाहिए था, और मुझे ये था कि मैं खुद अपना दिमाग लगा के वो चीज बनाऊं, क्योंकि मुझे पर्सनली जिस साइज का सोफा चाहिए था, जिस कलर का, जिस टेक्सचर का, वो मुझे मिल नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि यू नो व्हाई नॉट गो टू दीज लोकल शोरूम्स. मैं पुणे में रहती हूँ तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ऑप्शन है सिटी के. आप थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाओगे तो आपको यू नो लाइन से एकदम शोरूम से और आपको जो चाहिए आपको मिल जाएगा वहां पे. अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ बनवानी भी है तो वो भी आप बहुत इजीली बनवा सकते हैं. तो हम लोगों ने बैठ के ना पूरा एक डिज़ाइन बनाया सोफे का, हमने खूब सारे रेफरेंस आइडियाज़ रखे थे. अगर आप किसी के पास बनवाने जा रहे हैं तो प्लीज़ ये ज़रूर करिएगा कि आप खूब सारे पिक्चर्स लेके जाओ, कलर कैसा होना चाहिए, कपड़ा कैसे होना चाहिए, आप उसको एंड गोल आपका क्या है, आप उसको कैसे दिखाना चाहते हो, कहाँ रखना चाहते हो. अपने रूम की भी जरूर फोटो लेके जाइएगा कि अगर मान लीजिए आप वहां पे कोई सोफा आपको शोरूम में पसंद आ जाता है, या फिर कुछ भी आपको लाइक इन टर्म्स ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फर्नीचर फॉर योर रूम, इफ यू लाइक, सो यू शुड हैव योर लेंथ विड्थ, मतलब डिमेंशंस रूम के होने चाहिए आपके पास. इट्स जस्ट वेरी इजी फॉर यू, दैट वे विजुअलाइज करना बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए. तो मैंने भी यही किया था, मैं पिक्चर्स लेके गई थी, मैंने पूरा डिमेंशन वगैरह सब लेके रखा था, मुझे कलर पता था, मुझे डिज़ाइन पता था, मुझे पता था कि यू नो कि मुझे सोफे के साइड में जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो मुझे ये डिम्पल्स चाहिए, इसको कुछ डायमंड सॉर्ट ऑफ पैटर्न कहते हैं, आई डोंट नो द नेम. मुझे लेग्स स्पेसिफिकली एंगल चाहिए थे, वुडन ही चाहिए थे, मुझे मेटालिक एलिमेंट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि दैट इज़ नॉट माई पर्सनैलिटी. मुझे बहुत ज़्यादा ही नेचुरल टोन्स पसंद है, इसलिए मुझे कलर्स भी वैसे ही चाहिए थे जो कि बहुत ही न्यूट्रल हो. और अगर बेस एक कलर का होता है ना तो आप उसके ऊपर कुछ भी कर सकते हो. एक एलिवेटेड, एक शीक से लुक के लिए यू डोंट हैव टू नेसेसरली स्पेंड बिग बक्स. ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है एक अच्छा सुंदर काम पीसफुल घर बनाने के लिए. ठीक है, इट ऑल कम्स डाउन टू कि आप कैसी चीजों में इन्वेस्ट कर रहे हो. फर्स्ट ऑफ ऑल राइट, क्वालिटी क्या है, राइट, व्हाट आर द कलर्स, what are the designs, what sort of interior, what sort of design are you looking for. So kya hota hai na design language mein, there are certain types of, see, there is something called bohemian, there is something called modern farmhouse, there is something called mid-century modern industrial look. So bahut tarike ke aajkal market mein designs aaye hain. Coming onto my room, इस रूम में मुझे बहुत ही न्यूट्रल टोन चाहिए थे, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया.
मुझे काम कलर्स चाहिए थे, इसलिए मैंने सोफा बहुत ही लाइट कलर का लिया। यहाँ की वॉल भी मैंने एकदम क्रीम कलर की रखी है, एकदम सिंपल बेसिक वॉल रखी है। इधर मुझे अभी जरूर बीच के जो आप देख रहे हो, बीच के सेक्शन में मुझे एक आर्ट लगाना है। मुझे पता नहीं कि जो मुझे चाहिए एक्चुअली मुझे वो मिल नहीं रहा, मुझे कुछ एब्स्ट्रैक्ट टाइप ऑफ आर्ट चाहिए, सो आई माइट जस्ट एंड अप मेकिंग इट माइसेल्फ। एंड यस ऑफ कोर्स आई डू पेंट एज वेल। बहुत सारे हॉबी जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे रैंडम चीजें करते रहती हूँ मैं, तो आई डू विल आई माइट एट सम पॉइंट यू नो माइट पेंट समथिंग फॉर दैट वॉल। इन टर्म्स ऑफ द लाइट्स, जैसे आप देख रहे हैं, मुझे ये लाइट्स बिल्कुल भी नहीं चाहिए थे। पहले मैं आपको बताती हूँ, मुझे वॉल स्कॉन्सेस लगाने थे। सो स्कॉन्स के पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इस वॉल पे किया क्या हुआ। इसको ना वेन्सकॉटिंग कहते हैं। ये जो आप पैनल्स देख रहे हो राइट, ये या तो लकड़ी के भी होते हैं या फिर ये पीवीसी के भी होते हैं। तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, मैंने उनको ये दिखाया पिक्चर में, मैंने कहा कि मुझे ये, क्योंकि एक ऐसी वॉल है पूरे रूम में जो एकदम प्लेन है एंड टू एंड, और इसमें हमने यू नो इसमें कोई रैंडम प्लग्स नहीं, मतलब एक छोटे से स्विच बोर्ड के अलावा दिस एंटायर वॉल इज परफेक्टली क्लीन। एक दिस यू नो गिव मी अ ब्लैंक कैनवस कि मैं यहाँ पे ये वेन्सकॉटनिंग करना चाह रही थी बहुत टाइम से, मुझे घर में कहीं पे तो यूज करना ही था। मैंने काफी सारे पिक्चर्स, काफी सारे आइडियाज रखे हैं। आप इसको एंट्रेंस पे लगा सकते हैं, अपने बेडरूम्स में लगा सकते हैं, या फिर लिविंग रूम के किसी एक सेक्शन पे लगा सकते हैं। तो मुझे क्योंकि एक ये प्लेन वॉल चाहिए थी जिसमें मैं वेन्सकॉटिंग करवाऊँ, तो ये मैंने इसलिए करवाया। नाउ वेन्सकॉटिंग क्या होता है ना, ये पीवीसी पैनल्स भी हो सकते हैं या फिर पीवीसी पाइप्स टाइप के होते हैं या फिर ये उसका भी होता है, लकड़ी का भी होता है। तो मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर को दिखाया था कि यू नो भैया मुझे कुछ ऐसा करना है, तो उन्होंने यहाँ पे वुडन वाला वॉज आई थिंक कमिंग टू बी एक्सपेंसिव और वो इस वॉल पे इतना सपोर्टिवली यू नो स्टिक नहीं कर पाता। तो हमने ये पीवीसी के, दीज आर नॉट पाइप्स, दीज आर मेड ऑफ सम पॉलीविनिल मटेरियल। I don't have a lot of idea कि उसका अंदर का material क्या है, but it's quite sturdy। इसको drill करके उन्होंने wall में उसको फेविकॉल से अच्छे से एकदम चिपका दिया, एंड जब इन्होंने पेंट किया तो एकदम पूरा सीमलेस सा, इतना अच्छा लगता है देखने में। This looks I feel so nice and so chic। Now I wanted to have sconces on either side of these two panels। The point was right कि the sconce is like a piece of art which is coming from those either side ka panels, but abhi hua kya na ki ye wall pe sconces for some reason nahi lag pa rahe the, I think there was some electrical issue, so the aur tab tak ye bahut hi last minute idea tha mera ki main, because all the while I was thinking ki main usko kahan karu, and eventually at the end of it I was like ki nahi, mujhe is wall pe hi wainscoting chahiye। So what happened is कि because of some electrical reasons मैं sconces नहीं लगा पाई, but essentially मेरा पहले जो idea था वो ये था, बट वो एग्जीक्यूट क्योंकि नहीं हुआ तो मुझे लेकिन लाइट तो एनी हाउ चाहिए ही थी। तो मैंने क्या किया कि जो ऊपर की फॉल सीलिंग है वहां से एक्सटेंडेबल लाइट्स लगा दी। सॉरी टू एंड दिस वीडियो अब्रप्टली गाइस, प्लीज स्टे ट्यून्ड फॉर पार्ट 2।